हरे कृष्णा, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर मंथ का राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके जोडियक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका जोडियक साइन नहीं पता है तो सभी जोडियक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना जोडियक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है शालू वालिया टैरो। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। चलिए पहले एंजल्स का मैसेज आप लोगों के लिए देख लेते हैं। ज्वाल खुल और कार्ड का मैसेज है धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो जेमिनिस, अक्टूबर मंथ में एंजल्स का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें। कोई भी जो आप जो पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करें। अपनी हैप्पीनेस, अपनी कंटेंटमेंट, अपनी जॉय पे फोकस करें, इनर पीस पे फोकस करें और डोंट बी इन अ रश। टेक बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स यू नो एक्वायरिंग योर हैप्पीनेस। चलिए आप लोगों के लिए टैरो से गाइडेंस देख लेते हैं, कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ, कैसी रहेगी प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द हाई प्रीस्टेस। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ वॉन्स। सो जेमिनाइज, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो काफी आप जो है इंट्यूटिव रहेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है अक्टूबर में आपका जो फोकस है वो सुपरफिशियल चीज़ों पे नहीं रहेगा, बल्कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आपका जो फोकस है ज़्यादा रहेगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आपका जो फोकस ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाते हैं, तो जो है ग्रोथ आप लोगों के लिए, कैरियर ग्रोथ आप लोगों के लिए खुद ब खुद आएगी। तो यहाँ पे आप अपने खुद पे फोकस करेंगे। इंट्यूशन इस टाइम पे आपका काफ़ी हाइटेंड रहेगा, तो जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं अपनी इनर वॉइस की सुनिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लीजिए। वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी रिफ्लेक्टिव भी रहेंगे, तो हेस्टी डिसीजंस नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के जो है आप अपने डिसीजंस लीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेडिटेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, अगर जर्नलिंग करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ वॉन्स। सो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अगर सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है और एक खूबसूरत रिलेशनशिप की शुरुआत आप लोगों के लिए यहाँ हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी एक बहुत हार्मोनियस टाइम पीरियड है, जॉय रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी, आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपनी रिलेशनशिप की तरफ, एंड यू विल बी हैविंग यू नो अ फन फिल्ड टाइम विद योर पार्टनर। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देख लेते हैं। रिजुविनेटिंग रेन और कार्ड का मैसेज है क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। सो जेमिनाइज, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। हो सकता है कि पास्ट की कुछ बिटर मेमोरीज हों जिसको आप लेट गो ना कर पा रहे हों, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ पास्ट की अच्छी मेमोरीज हैं जिसमें आप अभी तक उलझे हुए हैं, यू आर स्टिल लिविंग इन योर पास्ट। तो आपके लिए जो है ओरेकल की गाइडेंस यही है कि पास्ट को लेट गो करिए, पास्ट जो है वो बीत गया और अब जो है आपको अपने फ्यूचर पे, अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। आप अपने प्रेजेंट को तभी हील कर पाएंगे जब आप अपने पास्ट को लेट गो करेंगे। तो जो भी पास्ट में हुआ उसको पास्ट में छोड़ें और फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो ये था अक्टूबर का आपका राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
And to see more such videos, please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.